हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपने मोबाइल से MBBS का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताता हूँ। आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे आया हो और अपनी एग्ज़ाम कब है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑल कर दे ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपके पास तुरंत आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद सर्च बार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में वेबसाइट खुलेगी। सीधा अपने को सरकारी रिजल्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लेटेस्ट जॉब भी देख सकते हो और किस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आया है, किस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन को थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है अपने पास MBBS एडमिट कार्ड। सिंपल से अपने को इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाना है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते जाना है। उसके बाद अपने पास एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, इसके सामने लिख रखा है क्लिक हेयर। सिंपल से अपने को यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक हेयर करने के बाद आपके मोबाइल में या तो डायरेक्ट खुल जाएगा या फिर अपने को यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप एडवांस कर सकते हो, अनसेव कर लेना है इसको। उसके बाद कुछ इस तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में खुल जाएगा। यहाँ पर लिख रखा है सर्च एडमिट कार्ड। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे अपना आवेदन क्रमांक डाल देना है 13 नंबर। उसके बाद चले मैं अपना आवेदन क्रमांक यहाँ पे डाल लेता हूँ। ये डालने के बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म डेट डाल लेना है। उसके बाद विषय का चुनाव करें। यहाँ पे आप इसको नॉन टेक्निकल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक ऑप्शन है ये अपने पास कि ये वाला, यहाँ पर क्या लिखा, फर्स्ट टू लेटर ऑफ मदर नेम एंड लास्ट डिजिटल ऑफ आधार नंबर। आपने यानी आपको यहाँ पर अपनी मम्मी का 2 अक्षर डाल देना है आगे वाला, और आपके आधार कार्ड का 4 नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना है। चलिए मैं डाल लेता हूँ। डालने के बाद आपको ये कैप्चा फिल्ड कर देना है यानी 50 + 10 कितना होता है 60। ये फिल्ड करने के बाद अपने को सीधा यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक कर लेना है। सर्च बार क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड जो भी अपने मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।